नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। जानकी मंदिर समीप रहल तेलहा पोखर सफा कर गेल युवा अभियान के धरपकड़। आचार संहिता उल्लंघन कने उम्मीदवार के कार्रवाई करवाक निर्वाचन आयोग की तैयारी। 35 गोटे ऊपर कार्रवाई होबाक निश्चित। बझांग के मस्टा में जीप दुर्घटना, 6 गोटे की मृत्यु। पिछला 24 घंटा में और 48 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि। गंडकी प्रदेश की सीधा सेट में पराजित करे एपीएफ राष्ट्रीय खेलकूद अंतर्गत पुरुष वॉलीबॉल के फाइनल में। अब समाचार विस्तार में। जनकपुर धाम में गंदगी सब भरल पोखर सफा कर पहुंचल युवा अभियानी सबके प्रहरी धर पकड़ कने छे। जानकी मंदिर के आगा रहल तेलहा पोखर के गंदगी सफा करबाक लेल पहुंचल युवा अभियानी सबके प्रहरी धर पकड़ कने छे। पोखर सफा कर जनकपुर धाम उपमहान और पालिका कोनो चाँख नहीं देखौने आरोप लगबैत युवा सब बुध के भिनसर पोखर सर सफाई कर पुगल छल। युवा सब पोखर से गंदगी निकाल कर सड़क पर रखला बाद प्रहरी हस्तक्षेप कने छल। धनुषा के DSP प्रदीप बहादुर छेत्री सहित के प्रहरी टोली धर पकड़ पर उतरल छल। पोखर सफा कर जुटल अपना सब ऊपर प्रहरी दमन कने अभियानी सब आरोप लगौने अछि। मधेशक शान के रूप में रहल जानकी मंदिर समीप के पोखर सर सफाई के क्रम में धर पकड़ कने कहत ओ सब आपत्ति जनौलक अछि। कनिक सर सफाई पर ध्यान देने लिए पर्यटक स्थल से हमर के जानकी मंदिर आ जनकपुर धाम जे अपने सब के जे जानकी मंदिर से अपना प्रदेश नंबर 2 के शान छै ओही के सर सफाई के क्षेत्र में हम सब गेल छलिए। आई पुलिस सब जबरदस्ती आब केना हमरा सब पर दमन कयल गेलै। सर सफाई करे में बाधा देलकै ओहि से बेसी कथु नै छलै। सर सफाई के लिए जनकपुर धामक मेयर ऊपर दबाव सृजना कर अपना सब गंदगी सड़क पर रखने ओ सब प्रष्टीकरण दिलक है। प्रहरी अपना सब ऊपर पीट पाट कने सेहो ओकर सब के सर सफाई के क्रम में हम सब पुगल छले पोखरी पर। ठीक छै, तो अपने के हम सब सर सफाई करे के लिए जब शुरुआत क देलिए सर सफाई क के ओकर कचरा सब जे छले त पोखरिए से कचरा सब उठा के हम सब बाटो पर जब राखे लगलिए त हमरा सब के उद्देश्य की छल जे मेयर साहब अइथिन आ बातचीत क के हम सब एक सर सफाई क देबे अपने हमरा सब के कुछ मियाद देथिन जते दिन तक सर सफाई भ जते वही क्रम में तैयार के वार्ड अध्यक्ष छले 10 नंबर वार्ड के उ अलखिन तो उहो सर सफाई में लगेलखिन उहो कर लगले सर सफाई। ओकर बाद जब एनी सर सफाई भ रहले त ई साइड से देखलिए कि हमर 2-4 गो साथी जे छले ओकरा सब के पकड़ के सीधे धक्का धक्की क के ओकरा सब के ल के जाय छले। तब हमहु सब एनी जब जुटलिए सब जना तो वही क्रम में लाठी चार्ज के लिए वार्ड अध्यक्ष पर सेहो लाठी चार्ज भेलै। हमरा साथी सब एहि साथी के गोर सेहो फोड़ देलकै वही क्रम में लाठी गोर गोर पर मोच पड़ल व्यक्ति जे हमर गेलखिन तेकरो गोर मेस पड़ल एकर उ कहै छलै ओकरा नै चलो होइ छलै तब जबरदस्ती ओकरा उठा के ल गेलै ओहिमे। एकर हमरा सबके एक एकटा उद्देश्य छलै कि उ पोखरी सर सफाई हमरा सबके जनकपुर धाम सर सफाई होबे पड़लै ओहिके सर सफाई के लेल हमसब पुगल छलिए। अही बीच अभियानी सब पर भेल धर पकड़ के विषय में अपन टेलीविजन के संचार कर्मी प्रतिक्रिया लेब खोजला बाद DSP क्षेत्रीय आक्रोशित होत कोनो हालत में प्रतिक्रिया नहीं देबाक बतौने छलै। एम्हर प्रहरी हस्तक्षेप के विषय में जनकपुर धाम के मेयर मनोज कुमार शाह अपना प्रहरी के धर पकड़ के लेल नहीं भेजने दावी कलने छे। वो अपना युवा सब संग बात कर आवश्यक पहिने ही प्रहरी पहुंचल बतौलन गंदगी सड़क पर रखनाय गलत भेल हुनक तर्क अछि। हम पुलिस प्रशासन नहीं पठेलिए ओ जे छै हुनकर तरीका गलत भेल कारण पुलिस के लिए हमरा हमर वार्ड अध्यक्ष जी ओहिठाम छलिए कंटिन्यू वार्ता में छलिए मिथिले जी हमहूँ जाए के लिए तैयार छलिए हम आ रहल छलिए लेकिन हिनका सबके किछु फोहर उठाबे पड़ल कह के वार्ता करे पड़ल एकदम गुडराम लेकिन फोहर रोड पर जाम क के निषेधित क्षेत्र के कारण से मात्र प्रहरी जे है से हमरा से पहिने प्रहरी पहुँच गए ओ कारण से आ हमर वार्ड अध्यक्ष जी तो ओहिठाम छलिए ते दुआरे हमरा सबके कोनो जानकारी नहीं है लेकिन कार्यक्रम गलत तरीका से करे के कारण से मात्र झड़प भेलै जे हमरा अनुभव भ रहल।
मेयर साहब पोखर के ठिक्का लागल जानकारी दिलन। पोखर सौंदर्यीकरण के लिए ठिक्का लागल अवस्था में रहला सा ई पोखर अखन अपन अधीन में नहीं रहल से ओ स्पष्ट कलन। मतलब पोखर जैसे जनकपुर में बहुत छे ने, लेकिन जे पोखर ठेका लागल है भवन तथा शहरी कार्यालय अंतर्गत अखन ठोकर छे, पोखर छे तेल्हा मड़ा जे जानकी मंदिर के पोखर छे, सौंदर्यीकरण के लिए संघीय मंत्रालय अंतर्गत तेल्हा मड़ा के टेंडर लागल छे। जेना हमरे बगल में दीर्घा सड़क टेंडर लागल छे, तो टेंडर के क्रम में जब जेना अपना सबके घर बनित रहे छे ने, तो घर उजरल फुजरल रहे छे, तेना वो पोखर अखन उजरल फुजरल छे। ओहिठाम किछ व्यापारी सब अगर कचरा धो दैत हेते तो वो टेंडर भेल आदमी जिम्मेवारी अखन अपना सब जेना दीपावली के समय छे, अखन सब गोटे घर सफा कर रहल छे और रोड पर सामान सब धो रहल छे, तो रोड पर के कचरा हटा पड़े अइमे हम सब व्यस्त छी। लेकिन ओ पोखर हमरा अंडरे में नहीं भेला के कारण ओ पोखर के सफाई कर तो जिम्मेवारी हमरा ऊपर नहीं चले या हम सब लेन ही नहीं चली। प्रहरी 9 गोटे के पकड़ने छल, ओकरा सब के बेड़िया में रिहा कैल गेल छै। मधेश प्रदेशक जिला सब में विद्यालय बाहर रहल 18% किशोरी सब के विद्यालय भर्ना कर सब सरकारी तथा साझेदार संस्था बीच सहकार्य कैल जबा में जोर देल गेल छै। मधेश प्रदेश के सामाजिक विकास मंत्रालय के आयोजना तथा VSO नेपाल के आर्थिक सहयोग में जनकपुर धाम में 2 दिन बैसल बालिका तथा समावेशी शिक्षा संजाल के बैठक में किशोरी सब के विद्यालय में नहीं आनला धरि समाजक रूपांतरण कठिन रहल सहभागी सब बतौलक अछि। बैठक में मधेश प्रदेश के सामाजिक विकास मंत्रालय के सचिव लक्ष्मी भट्टराय प्रदेशक समग्र शिक्षा नीति बनेबा काम में सरकार लागल बतबैत प्रदेश सरकारक शिक्षा नीति अयला बाद एहन किस्म के समस्या समाधान कर में मदद पहुँचबाक बतौलन। शिक्षा दिने र गुणस्तरीय शिक्षा दिने र जीवन चाहिँ स्तरीय बनाउने हो हैन, त्यो काममा चाहिँ अब हामीले प्रदेशले आफ्नो दावाका सबै हामीले चाहिँ जिम्मा लिन पनि सक्दैनौँ हुँदैन पनि, किनभने हामीसँग स्थानीय सरकार छ, संविधानले अधिकार दिएको छ, संघीय सरकार छ, रिसोर्सको लागि विभिन्न चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दात्री संस्थाहरू छन्, हामी बिच चाहिँ अब हामी विकास साझेदार संस्थाहरू छौँ, हामी सबै मिलेर यो काम चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। मधेश प्रदेशक शिक्षा विकास निर्देशालय के निर्देशक चूड़ामणि फुयाल मधेश प्रदेशक शिक्षा के अवस्था कमजोर भेला सा प्रदेश सरकार बेटी शिक्षा बीमा कार्यक्रम के प्राथमिकता के संग आगा बढ़ाने बतौलन। अब हामीले युनिसेफ सँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ, सेभ द चिल्ड्रेन सँग पनि जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका दाताहरू छन् भइरहेका छौँ, र मैले मन्त्रालयमा पनि यसको सुनिश्चितता पाऊँ भनेर चिठी पनि पठाइरहेको छ, राष्ट्रिय योजना आयोगसँग पनि कुराकानी चाहिँ भइरहेको छ। र कस्तो देखियो भने यो हाम्रो मधेस प्रदेशमा टेन्टेटिभली हिसाब गर्दाखेरि एक वर्षमा 2 अर्ब जति रुपियाँ चाहिँ छोरी बिमामा चाहिने रहेछ हेर्नुहोस्, अनि हाम्रो मधेस प्रदेशको जम्मा प्रदेशभरिको बजेट चाहिँ 20 अर्बको छ। अब हामीहरूका यत्र मन्त्रालय यत्र कर्मचारीहरूको चालु खर्च पुँजी खर्चलाई छोडेर अब यसको चाहिँ 2 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्न चाहिँ धेरै च्यालेन्ज भयो, तर यो नगरी नहुनु पनि हो। VSO नेपालक कन्सोर्टियम प्रोजेक्ट म्यानेजर श्याम कृष्ण मण्डल बेलायती सरकारक आर्थिक सहयोगमे नेपाल सरकारक 3 तहके सरकारसँग समन्वय करैत 10 से 19 वर्ष उमेर समूहक विद्यालय बाहर रहल विद्यार्थी सबके अनौपचारिक शिक्षा में आनिकऽ मूलधार के औपचारिक शिक्षा में आनबाक लेल काज भऽ रहल बतौलन। 19 वर्ष का किशोरी हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ अनौपचारिक शिक्षा में सिकेर मेनस्ट्रीम एजुकेशन में जान चाहनुहुन्न भने उहाँहरूको लागि चाहिँ व्यावसायिक सिप विकास गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ साना व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहिँ 3 महिनासम्मको चाहिँ परियोजनाले व्यावसायिक तालिमहरू प्रदान गरेको छ, र त्यो सिप सञ्चालन गर्नको लागि व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि सिड मनी समेत दिएर उहाँहरूको क्यापासिटी इन्हान्समेन्ट गर्ने र त्यसबाट चाहिँ आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी आफ्नो जीविकोपार्जनलाई चाहिँ सबल बनाउने र उहाँहरूका पछाडि जो साना भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको शिक्षामा चाहिँ उहाँहरूले कम आर्जन गरेको बाट चाहिँ शिक्षालाई निरन्तरता दिने पनि इङ्गित प्रोजेक्टले सहयोग गर्दै आएको अवस्था छ।
भीएसओ नेपालक धनुषा जिला के संयोजक राजन कर्ण परसा आ सरलाही जिला में विद्यालय बाहर रहल किशोरी सबके विद्यालय भर्ना करा कर शिक्षा प्रदान करबा काम कर रहल बतबैत संस्था अखन धरि 2525 गोटे किशोरी सबके विद्यालय भर्ना करय में सफल भेल बतौलन। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कुल जनसंख्या के 32% रहल दलित तथा मुस्लिम समुदाय के बाल बालिका तथा किशोरी सब बेसी मात्रा में विद्यालय शिक्षा बाहर रहला से हुनका सबके लक्षित कक और कार्यक्रम कर आवश्यक भेला पर जोर दिल गेल छल। बैठक में महिला बाल बालिका तथा किशोरी शिक्षा के क्षेत्र में काम काज करय वाला सरकारी संस्था के अतिरिक्त सहायदार संस्था सबक आयुष्मान नेपाल लाइफ नेपाल एजुकेशन पेज यूनिसेफ सहित के सब प्रतिनिधि के सहभागिता रहल छल। निर्वाचन आयोग निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन करय वाला 35 गोटे उम्मीदवार सबके कार्रवाई करबाक तैयारी करय लागल छै। अगला अगहन 4 गति हो वाला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन के लिए उम्मीदवारी देने 35 गोटे उम्मीदवार सब निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन कने पाओल गेला से कार्रवाई के प्रक्रिया आगा बढ़वाक पक्का भेल जानकारी देल गेल छै। बुध दिन निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भंडारी बहुत ठाम में आचार संहिता उल्लंघन के निवेदन पड़ल मुदा 35 गोटे उम्मीदवार सब आचार संहिता बेसी उल्लंघन कने पाओल गेल कहे तो कार्रवाई के तैयारी कने बतौलन। ओ आचार संहिता उल्लंघन करय वाला उम्मीदवार सबक कसूर प्रवृत्ति के गहन मूल्यांकन आ विश्लेषण कला पर कार्रवाई के भागीदार बनवाक देखल गेल बतौलन। आयुक्त भंडारी आचार संहिता बेसी उल्लंघन हो वाला समय कार्तिक 18 से अगहन 2 गते भेला से नीति नियम के पूर्ण पालना आ कार्यान्वयन कर उम्मीदवार सबके आग्रह कलन। किसान श्रेष्ठले 12 को आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र में जो त्यहाँका गरीब किसानहरु हुनुहुन्छ ज्याला मजदुरी गरेर खानुपर्छ तपाईहरुलाई चाहिँ विदेशमा म पठाइदिन्छु भनेर अहिले निर्वाचनको माहौलमा चुनाव प्रचार गर्ने सन्दर्भमा उहाँले भिसा बाँड्नु भयो भन्ने हामी कहाँ उजुरी आएको छ। त्यो उजुरी आइसके पछाडि हामीले उहाँले गर्नुभएको हो कि होइन उहाँलाई स्पष्टीकरण सोधेका छौँ जवाब प्राप्त भइसके अवस्था होइन। निर्वाचन आयुक्त भंडारी नेकपा एकीकृत समाजवादी के नेता कृष्ण कुमार श्रेष्ठ 12 क्षेत्र नंबर 4 में वैदेशिक रोजगारी में भेज देवाक प्रलोभन द कऽ अंतर्वार्ता शुरू कने विषय में सेहो निवेदन पड़ला से नेता श्रेष्ठ के आयोग स्पष्टीकरण पूछने बतौलन। राजनीति दल का र स्वतंत्र उम्मीदवार जो उम्मीदवारी दिए अगाड़ी जानूक वहाँ को घर दैलो मत करने कार्यक्रम हो। आज हमी कार्तिक को 2 गते में छूँ कार्तिकको 17 गतेसम्मको एउटा प्लट घर दैलो मात्रै गर्ने कार्यक्रम हो र 18 गतेबाट गोष्ठी आमसभा सेमिनार र्याली लगायत कोडसभा लगायतका कार्यक्रमहरू गर्न सकिने भनेर हामीले 17 दिनको अवधि राखिदिएका छौँ र मङ्सिरको 2 गते र देखि 4 गतेसम्म जतिखेर मतदान हुन्छ नि त्यो बेलासम्मको छुट्टै एउटा प्लट। निर्वाचन आयुक्त भण्डारी देशक नीति निर्माण आसन सम्हार जायवाला व्यक्ति शुरू से ऐन नियम आ आचार संहिता उल्लंघन कयना से देशक लेल नया नीति निर्माण कर नहीं सकबा कहत निर्वाचन आचार संहिता के पूर्ण पालना कर आग्रह कलनि। नेकपा माओवादी केन्द्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के गोरखा क्षेत्र नंबर 2 से नेपालक इतिहास में बेसी मतांतर से विजय करेबाक बतौलन। बुध दिन पार्टी के संपर्क समन्वय प्रदेश समिति के काठमांडू में आयोजित निर्वाचन विशेष रणनीतिक वैचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ओ गोरखा क्षेत्र नंबर 2 में अध्यक्ष दाहाल के जीत सुनिश्चित भेल बतौलन। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ ओ एकेटा निर्वाचन क्षेत्र बनेबाक आ अहिमे डूबल रहबाक संसदवाद के मान्यता के लागू नहीं कर लेल हरेक निर्वाचन में अलग अलग क्षेत्र से उठल बतौलन। अध्यक्ष दाहाल युवा अवस्था में गोरखा में शिक्षण पेशा में आबद्ध भेल जनयुद्ध शुरू करबाक प्रयास गोरखा से भेल नेपालक एकीकरण करय वाला स्थान गोरखा भेल लगायत विभिन्न भावनात्मक कारण से गोरखा से उम्मीदवार बनल ओ स्पष्ट कलन। उहाँको त्यो चिन्तन सोचको जो प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिले संसदवादको एउटा जुन प्रकारको दलदलबाट माथि उठ्नको लागि एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित नहुने सोच अन्तर्गत उहाँ बाहिर जान चाहनुहुन्थ्यो त्यस अन्तर्गत अहिले गोर्खा जानुभएको छ। पहिलो कुरो कुनै ठाउँमा दोहोरिनुभएको छ उहाँ हारको कारणले हारको जोखिमले कारणले जा नखोजेको भन्नेहरूलाई प्रश्न गर्नुहोस् कुन ठाउँमा एकपटकभन्दा बढी लड्नुभयो कमरेड प्रचण्डले लड्नु भएको छ
छैन। त्यसकारणले गोर्खा जानलाई यही सोचको परिणाम बुझ्नुपर्छ। पहिलो कुरा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ पार्टी में बहुत गुट तथा उपकूट भेल कहत असंतुष्टि व्यक्त कलन। ओ पार्टी भीतर अपने आ अध्यक्ष दहाल बीच में विभाजित कराब खोजने कहत अपना सब असाधारण एकता में रहल स्पष्ट कलन। सब मानी पद कि पार्टी को पद कि राज्य को पद तो भेन क्रांतिकारी विचार का निम्ति विद्रोह करे तो मंदिर मैंने तो खुशी लगे यति त बाँकी रहेछ। ठिक बेठिक त हामी सम्झाउँथ्यौँ अथवा बहस गर्थ्यौँ, तर वैचारिक नीतिगत कुरामा यो ठिक छैन भनेर बहस गर्ने एउटा निस्कँदैन। टिकट पाएन भने विद्रोह गर्ने, पार्टीको पद पाएन भने विरोध गर्ने, अनुशासनहीन ढङ्ग अराजक ढङ्गले बोल्ने, यो प्रवृत्तिले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ। त्यस कारण मैले भनेको छु मेरो पनि नेता तपाईँहरू सबैको नेता अहिले श्रेष्ठ बितल वर्षमै एमसीसी पारित नै कर सहयोग करबाक शर्त में नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के माओवादी प्रधानमंत्री बनाब तैयार रहल दावी कलन। ओ चार पार्टी के गठबंधन भेलो पर नेपाली कांग्रेस भीतर के गुट उपगुट के कारण से छह पार्टी के गठबंधन जेहन भेल टिप्पणी कलन। कांग्रेस भीतर शेरबहादुर देवा के अलावा वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौड़ेल, महामंत्री गगन थापा आ नेता शेखर कोइराला संग सेहो परामर्श कयल जेबाक अवस्था रहल ओ बतौने छलथि। नेपाली कांग्रेसक नेता प्रकाश मानव सिंह निर्वाचन बाद अपना प्रधानमंत्री के लेल सभे किसिम से योग्य रहल बतौलने छे। निर्वाचन में जितनाय अपन पहिल लक्ष्य रहल आ नेपाली कांग्रेसक संसदीय नेता में चुनेला बाद प्रधानमंत्री बनकर देश चलाब अपना हर हिसाब से योग्य रहल ओ बतौलन। नेता सिंह अपन पार्टी के निचका स्तर के कमिटी से महामंत्री धैर्य बनकर पार्टी संचालन कर चुकल बतबैत सरकारक नेतृत्व कर अपना कमजोर नहीं भेल बतौलन। ओ देशक उप प्रधानमंत्री बन चुकल बतबैत आवक प्रधानमंत्री बनकर देश संचालन कर आ देश में सुव्यवस्था राजनीतिक स्थिरता कराब अपना सक्षम रहल दावी कलन। मेसोरी ग्रास रूट लेवल देखिए है प्रतिबन्धित पार्टी प्रतिबन्धित हुँदाखेरिदेखि लिएर अधिकार प्राप्त गर्नको लागि आन्दोलन जनआन्दोलनदेखि लिएर सत्याग्रहदेखि लिएर सबैमा होमिएको होइन र चाहिँ जेल जीवन पनि बिताइसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो त ग्रासरुट लेभलबाट जिल्ला पनि सम्हालिसकेको नेभी सङ्घदेखि लिएर नेपाली कङ्ग्रेसको काठमाडौँ जिल्ला पटक पटक नेतृत्व सभापति भएर मैले चाहिँ काम गरिसकेको सङ्गठनलाई चाहिँ राम्रोसँग मैले चाहिँ बुझेको छु ग्रासरुट लेभलदेखिको। नेता सिंह काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर एक में अपना विरोध बहुते स्वतंत्र आओर पार्टी के उम्मीदवार सब खड़ा भेल पर स्थानीय सभक काज के लेल अपना योग्य रहल बतौलन। ओ स्वतंत्र उम्मीदवार सब अखन परीक्षण के काल में रहला से सब एक दूसरे के गलत प्रचार प्रसार नै क अपन एजेंडा सबके जनता बीच ल जेनाई आवश्यक रहल बतौलन। मैले अघि पनि भने यो बहुलवादमा आधारित संसदीय शासन प्रणालीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वकालत गरेको र कन्स्टिट्युसनमा पनि राखेको कारणले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ जुन एभ्री फाइभ इयर्समा हुने जुन पिरियडिक इलेक्सनमा यो चाहिँ नयाँ नयाँ त कम्प्लिटली नयाँ नयाँ विचार कसैले दिन सकेको छैन। त्यही पनि अब त्यसमा चाहिँ भनौँ न अब आफूले चाहिँ यो शब्दलाई चाहिँ खेलाएर स्लोगनमा चाहिँ परिणत गरेर जो अहिले चाहिँ उम्मेदवार हुन आउनु भएको छ सबैले चाहिँ मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबैलाई चाहिँ यो फ्री कम्पिटिसनमा चाहिँ फ्री लेभल भन्छ नि यो समान उसमा सबैलाई चाहिँ त्यही अवसर छ। नेता सिंह अपना निर्वाचन जितबामै निचेन भ चुकल बताउने छलैथ। बझांग के मस्टा गांवपालिका वार्ड नंबर एक तूफान पहाड़ पर जीप दुर्घटना भेला से छह गोटे के मृत्यु भेल छे। बुध दिन चैनपुर से मस्टा वार्ड नंबर दू खेत कोट जा रहल सुपप्र 01001117 नंबर के जीप दुर्घटना भेल छे। जीप सड़क से 200 मीटर नीचा गिरल छल। अखन धरि छह गोटे के शव भेटल आ कते गोटे घायल भेल से यकीन नहीं भेल छे। सदर मुकाम चैनपुर में लागवला शील देवी मेला देख कर घूर रहल यात्रु सब दुर्घटना में पड़ल। मस्टा गांव पालिका वार्ड नंबर एक के वड़ा अध्यक्ष रामचंद्र रोकाया जानकारी दिलने छे। एमर महोत्तरी के बर्दिवास नगर पालिका वार्ड नंबर आठ में
भ्यान से खसिक एक बालक के मृत्यु भेल छे। मृत्यु होवला में स्थानीय नरबहादुर राय के 7 वर्षक बेटा पृथ्वी राय रहल छे। ना 3657 53 नंबर के भ्यान से खसिक गंभीर घायल भेल बालक के इलाज क्रम में स्थानीय अस्पताल में मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी दिलक। दुर्घटना में संलग्न सवारी साधन के चालक फरार रहला से खोजी भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी जानकारी दिलक। झापा के शिव 87 में कटिहारी से सवार बस दुर्घटना भेला से 28 गोटे घायल भेल छे। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत शिव 87 के ओड़ा नंबर 9 झरना पुल लग में भेल बस दुर्घटना में 28 गोटे घायल भेल छे। ओहि में से 3 गोटे के अवस्था गंभीर रहल छे। कनकाई नदी के मुक्ति घाट में सबके दाह संस्कार कक कटिहारी लक घूर रहल ना 7 2651 नंबर के बस दुर्घटना में पड़ल छल। सड़क कात में रहल गाछ में जाक बस टकरायल प्रहरी जनौलक। वही दिशा से आबि रहल दोसर बस के बचाव खोजला पर बस गाछ में टकरायल स्थानीयवासी जानकारी दिलक। घायल सबके बिरता मोड़ अस्पताल में इलाजक लेल भेजल गेल छै। आदिवासी जनजाति आयोग आदिवासी जनजाति के अधिकार आ दिगो विकास कार्य योजना 2079 तत्काल स्वीकृत कार्यान्वयन कर सरकार के सिफारिश कैलक। आयोग बुध दिन ललितपुर में पत्रकार सम्मेलन मार्फत आर्थिक वर्ष 2078-79 के वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक करत जानकारी कौड़क। तहिना आदिवासी जनजाति के सरोकार रहबाक नीति तर्जुमा कैला पर आदिवासी जनजाति आयोग के संलग्नता अनिवार्य कराव सेहो सरकार के कहल गेल। आयोग के अध्यक्ष राम बहादुर थापा मगर जानकारी दिलन। प्रतिवेदन में एक व्यक्ति एक बेर बेर आरक्षण के सुविधा पाइबाक व्यवस्था के अंत्य कर सेहो सरकार के आग्रह कैल गेल छ। के भन्छ तहले पनि एक एउटा फोकल पर्सन भन्छ नि हैन त्यस्तो खालको चाहिँ स्थापना गर्नुपरो भनेर चाहिँ हामीले भनेका छौं। अब अर्को सम्मान्य राष्ट्रपति मार्फत सरकारलाई दिएको आएको प्रविधि उपर ढिलो गरी छलफल तथा निर्देशन हुने हुँदा सिफारिस कारणमा ढिलाइ भएर यसको औचित्य समेत समाप्त हुने देखिएकोले सिफारिस आयोग आदिवासी जनजाति अध्ययन संस्थान तत्काल स्थापना गर सेहो सरकारके सचेत गरौलक। आदिवासी जनजाति विश्वविद्यालय स्थापनाके तयारीके लेल सेहो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत ई अध्ययन संस्थान तत्काल स्थापना गर सरकारके सिफारिस कयल गेल सेहो आयोग जानकारी देलक। अब 15-16 मात्रै होइन अथवा लगभग 20 को हाराहारीमा मात्रै तब एक तिहाईले मात्रै चाहिँ त्यो उपभोग गरिराखे। अब राउटेले कहिले पाउने, राउटे कहिले सांसद भएर जाने, कुसुमले कहिले सांसद भएर जाने होइन, राजीहरू कहिले जाने, त्यस कारणले यो चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको टप टु बटम जस्तो भइरहेको बेलामा अब बटम टु अप गर्ने हो कि बटम टु टप गर्ने हो कि होइन त्यस्तो गराउनु पऱ्यो। त्यो भयो भने अनि बल्ल हामीलाई पनि आयो भन्ने हुन्छ नि। तहिना आयोग अपन वार्षिक प्रतिवेदन में आदिवासी जनजाति समुदाय के भाषा संस्कृति वेशभूषा प्रथा परंपरा के श्रव दृश्य सामग्री तैयार कैल गेल। नेपाल सरकार प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह से बीतल 5 वर्ष में संचालित आदिवासी जनजाति सबद कार्यक्रम सबक से अध्ययन तथा विश्लेषण कैल गेल जानकारी दिलक। विज्ञ सब सरकार द्वारा बड़का किसान सबके कृषि अनुदान नै देल जेबाक बतौलक। बुधदिन काठमांडू में खाद्य के लेल कृषि अभियान आयोजन कयने जैविक खेती खाद्य प्रणाली के पुनर्जीवन विषय के अंतर्क्रिया कार्यक्रम में कृषि विज्ञ सब सरकार के एहन सुझाव दिलक। कृषि विज्ञ सब सरकार द्वारा छोट किसान के अनुदान, मध्यम किसान के प्रविधि तथा बड़का किसान के नया कृषि प्रणाली विकास के लिए प्रोत्साहन कला पर मात्रे नेपाल में दिगो खाद्य विकास आ कृषि प्रणाली के विकास हेबाक बतौलक। ओ सब नेपाल के कृषि क्षेत्र द्वारा देश के अर्थतंत्र के बड़का योगदान क सकबाक जिक्र समेत कलक। कार्यक्रम में राष्ट्रीय समावेशी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण तिमल सिन्हा नेपाली बड़का किसान के राज्य द्वारा कोनो भी अनुदान द कऽ हतोत्साहित नै कैल जेबाक बतौलन। ओ सरकार द्वारा बड़का किसान के अनुदान देनाय आवश्यक नै रहल सेहो बतौलन। साना किसानलाई मार्ने भने होइन, साना किसानको म्यानेज गरौँ, मझौला किसानलाई उत्थान गरौँ, सानोलाई दिने र ठुलोलाई दिनेमा ठुलोलाई अनुदान दिन जरुरी छैन, सहुलियत दरमा ऋण दिए हुन्छ, सानोलाई अनुदान पनि दिनुपर्ला, मझौलालाई केही टेक्नोलोजिकल सपोर्ट गर्नुपर्ला, सानोलाई ठाउँमै गएर सिकाउनु पर्ला, तर कर्पोरेट फार्मिङको कुरो कन्सेप्ट चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो गरिएन भने निर्वाहमुखी कृषिबाट हामी माथि जाँदैनौँ, अर्थतन्त्रलाई सोच्नु पर्ने छ। अहिलेको अर्थतन्त्र भनेको मोर इन्क्लुसिभ इकोनोमी
कृषि क्षेत्रबाट कति उपलब्ध छ। तेना कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्र जीन बैंक नार्क के प्रमुख तथा वैज्ञानिक डाक्टर बालकृष्ण जोशी बाली के उत्पादन बढ़ेबाक लेल नेपालक ठाम विशेष प्रमुख खाद्य बाली लगाओल जेबाक बतौलनि। मुख्य खाद्यान्न चाहिँ धानै हो, भातै खुवाउनु भन्छ पर्छ भन्नेमा हामी बढी अग्रसर भयौँ। तर हामीले हेर्दाखेरि हामीले अगाडि सारे कुरा चाहिँ ठाउँ विशेष मुख्य बाली बनाउनु पर्छ, ठाउँ विशेष मुख्य खाद्यान्न बाली बनाउनु पर्छ भन्ने हो। जस्तो 1980 भन्दा अगाडि तपाईँ नेपाल ट्राभल गर्नुभएछ भने पूर्वमा जानुहोस् अर्कै धानको जात पाइन्थ्यो, पश्चिममा जानुहोस् अर्कै पाइन्थ्यो। तर जब मन्सुली जात रिलिज भयो, तराईदेखि तराईका पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जाँदाखेरि मन्सुली मात्र टेस्ट भयो। एना कृषक माधव ढुङ्गेल सरकार विषादीयुक्त खेतीकै प्रोत्साहन गर्बाक आ दोसर दिस मल आ बिया किनका सस्तामे बाड़ा खोज्ने बतौलनि। ओ सरकार बीस सँगे बाँडबाक आ सरकारी बीस मुक्त उत्पादन बाँटबाक दोहरा नीति नै लेल जेबाक बतौलनि। सरकारको पैसा मल किन्न, बिउ किन्न खर्च गरेर यहाँ आएर सस्तोमा बाँडेर प्रोत्साहन गर्न खोजेको के हो? म तपाईँलाई जे कुरा दिन्छु त्यही कुरा नै प्रोत्साहन गर्न खोजेको होला। बिख पनि सँगै बाँड्ने, त्यो चाहिँ सस्तोमा बाँड्ने, सब्सिडीमा बाँड्ने, अनि फेरि विषमुक्त खेतीको चाहिँ हामी प्रोत्साहन गर्छौँ, यस्तो हुन्छ? झुटको पनि त के सिम्पली नबुझिने कुरा। दोस्रो के देख्छु तपाईँ, होइन यो रसायनमुक्त खेती गर्दिनँ म, यो जैविक खेतीतिर जान्छु भनेर गयो भने पनि जैविक खेतीवालाहरूको पनि फेरि एउटा सेन्डिकेट कि के भन्छ त्यो छ क्या, लाइसेन्स चाहियो, सर्टिफिकेसन चाहियो। अरे भाइ, म यो लाइसेन्स सर्टिफिकेट तपाईँहरूको अनुदान तपाईँहरूको ऋण तपाईँहरूको सहयोग केही 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 चाहिँदैन क्या? किन चाहिँदैन भनेदेखि तपाईँहरूले किसानलाई पहिला किसान नहो अनि सुविधा ले भन्नुहुन्छ, किसान हुँदाहुँदै सुविधा दिन्छु कोही पनि भन्नुहुन्न। ओसब सरकार अपने कृषि उत्पादन के प्रवर्धन करबाक आ रासायनिक माल आ विषादी के आयात में जोड़ दक दोहरा नीति लेलासँ किसान सब समस्या में पड़ल बतौने छल। देशभरि पछिला 24 घंटा में आओर 48 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल छै। पछिला 24 घंटा में 1783 गोटे के नमूना परीक्षण कयल गेल छल। 819 गोटे के PCR आ 964 गोटे के एंटीजन विधि से परीक्षण कला पर 48 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी दिलक अछि बुध दिन 50 गोटे संक्रमित संक्रमण मुक्त भेल छै। तहिना देशभरि 728 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। बुध सँ बाल बालिका सबके विटामिन ए कैप्सूल आ 40 के दवाई खियाब शुरू कयल गेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार बुध आ बृहस्पति दिन विटामिन ए कैप्सूल आ 40 के दवाई खुआल जायत। ई कार्यक्रम भिनसर 8 बजे से बेड़िया 4 बजे धरि संचालन रहत। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सब 6 महीना से 5 वर्ष उमेर समूह के धियापुता के ई कैप्सूल खियाब रहल अछि। ललितपुर पाटन में ई कैप्सूल खुआ रहल महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिल शोभा महर्जन बृहस्पति दिन धरि ई कार्यक्रम रहला से अपन धियापुता सबके ई कैप्सूल खुआब नै छोड़ आग्रह कयलनि अछि। वैशाखको 6-7 गते र कार्तिकको 2-3 गते हामी खुवाउने गरेका छौँ। यो चाहिँ अहिले हाम्रो बिहानको 8 बजेदेखि 4 बजेसम्म चाहिँ भिटामिन 2 दिनको कार्यक्रम हुन्छ। यो कार्यक्रम चाहिँ कसैले खुवाउन छुट्नु भएको छ भने भोलि पनि छ हाम्रो, यो भोलि पनि आएर खुवाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले 8 बजेदेखि 4 बजेको भित्रसम्म। सरकार हरेक वर्ष वैशाख 6 आ 7 गते तथा कार्तिक 2 आ 3 गते भिटामिन ए कैप्सूल आ 40 के दवाई खियबत आयल छै। नेपाल चीन सीमा क्षेत्र में बुध दिन दोपहर 5.9 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल छै। राष्ट्रीय भूकंप मापन केन्द्र के प्रमुख लोक विजय अधिकारी सिंधुपाल्चोक समीप नेपाल चीन सीमा क्षेत्र में 3:07 में भूकंप गेल जानकारी दिलन अछि। भूकंप के धक्का सिंधुपाल्चोक सहित राजधानी आसपास के जिला में महसूस भेल छल। अखन धरि भूकंप से भेल क्षति के कोनो विवरण प्राप्त नहीं भेल छै।
बलात्कार आरोप में पकड़ायल नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली के पूर्व कप्तान संदीप लामिछाने के आउट 4 दिन हिरासत में रह के अनुसंधान कर अदालत अनुमति देने छे। जिला अदालत काठमांडू 2 दिन फिर से 4 दिन हिरासत में रह के अनुसंधान कर अनुमति देने छे। बीतल आसिन 20 में पकड़ायल क्रिकेटर लामिछाने के 20 गते से गणना करते बीतल आसिन 24 गते 7 दिन के लिए म्याद बढ़ाओल गेल छल। इस समय समाप्त भेला बाद आसिन 27 गते फिर से और 5 दिन अनुसंधान के लिए समय उपलब्ध कराओल गेल छल। दोसर बेर बढ़ाओल गेल समय से समाप्त भेला बाद कार्तिक 1 गते से अदालत में उपस्थित कराओल जेबा में सार्वजनिक विदा के कारण 2 दिन अदालत में उपस्थित कराओल गेल छल। अदालत फिर से 4 दिन के लिए म्याद बढ़वैत अनुसंधान कर नेपाल प्रहरी के अनुमति देने अछि। बीतल 2/5/17 17 वर्षक नाबालिग ऊपर बलात्कार केने आरोप लागल संदीप के आसिन 20 गते प्रहरी पकड़ के बीतल सोम दिन अदालत में उपस्थित करौने छल। अनुसंधान के लिए प्रहरी 7 दिन के समय मांग केलो पर अदालत 4 दिन के समय उपलब्ध करौने अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमरे बतौल श्रीमानले 4 दिन को लागि प्रतिको दिन सहित आइतबार प्रस्तुत करने शर्तमा 4 दिन को म्याद थपदिनु भएको छ। आइतबार प्रहरी प्रतिको दिन सहित आउनुहुन्छ। सत्रह वर्ष किशोरी के बलात्कार कने अभियोग लगला बाद अनुसंधान के लिए संदीप के आसिन 20 गते नेपाल ऐला लगले विमानस्थल से पकड़ल गेल छल। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम में सशस्त्र प्रहरी चीनी बरामद कने छे। भारत से नवलपरासी के सीमाना होत राजस्व छलिक दैनिक रूप में चीनी आन रहा उपराग बढ़ला बाद सशस्त्र प्रहरी 2 दिन जिला के राम ग्राम नगरपालिका आ प्रतापपुर गाँव पालिका क्षेत्र से 90 लाख के अवैध चीनी बरामद कने छे। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल हरपुर बीओपी आ महेशपुर भंसार कार्यालय से खटल संयुक्त टोली प्रतापपुर गाँवपालिका रोड नंबर 2 से 9662197 नंबर के ट्रक में रहा 21,000 kg आ राम ग्राम नगरपालिका वड़ा नंबर 5 स्थित परासी भैरावा हुलाकी मार्ग से 1987 नंबर के ट्रक में रहा 21,000 kg क 42,000 kg चीनी बरामद कने सशस्त्र प्रहरी बेलासपुर के सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक रूप कुमार छेत्री जानकारी दिलने छे। गंडकी प्रदेश के सीधा सीट में पराजित करते नेपाल एपीएफ क्लब नवम राष्ट्रीय खेलकूद अंतर्गत पुरुष वॉलीबॉल के फाइनल में प्रवेश कने छे। पोखरा रंगशाला स्थित वॉलीबॉल कोर्ट में 2 दिन भेल खेल में एपीएफ गंडकी ऊपर 3-0 के सीधा सीट में जीत निकालत फाइनल में आर्मी संघ भेंट पक्का कने छे। एक पक्षीय खेल में एपीएफ 25-21 27-25 आ 25-15 के सीधा सीट में जीत निकालने छे। ऐसे पहले आर्मी दोसर विभागीय टोली नेपाल पुलिस के चुनौती पार करत फाइनल में प्रवेश कने छल। आर्मी पुलिस के 3-1 के सेट में हरा कर फाइनल में पहुँचल छल। पोखरा रंगशाला के वॉलीबॉल कोर्ट में 2 दिन भेल पहल सेमीफाइनल में आर्मी पुलिस के 25-18 21 25 25 23 आ 25-19 से हरौने छल। फाइनल खेल बृहस्पति दिन हैत। तहिना पुलिस आ गंडकी बीच बृहस्पति दिन तेसर स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा हैत। नवम राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता अंतर्गत मिक्स डबल सॉफ्ट टेनिस देश के प्रतिस्पर्धा में 2 दिन प्रदेश नंबर 1 स्वर्ण पदक जीतने छे। प्रतियोगिता में प्रदेश 1 के युकेश युंजन आश्रिया युंजन के जोड़ी 5-2 के सेट में बागमती प्रदेश के प्रदीप खत्री आ जर्जिया चौधरी के जोड़ी के पाछा पारित स्वर्ण जीतने छे। प्रतियोगिता में बागमती रजत में चित बुझाव पड़त। तहिना नेपाल पुलिस के कमल भंडारी आ बिस्ना भंडारी के साथे एपीएफ के हरक सिंह धामी आ भगवती बी का कांस्य पदक प्राप्त कने छे। ऐसे पहिने मंगल दिन सॉफ्ट टेनिस डबल्स देश के 2 स्वर्ण विभागीय टोली नेपाल पुलिस आ एपीएफ बाँड़ने छल। पुरुष दिस पुलिस के नरबहादुर लुंगेली आ कमल भंडारी के जोड़ी महिला दिस एपीएफ के भगवती बीका आ समृद्धि महर्जन के जोड़ी स्वर्ण दियोने छल। नवम राष्ट्रीय खेलकूद अंतर्गत के महिला हॉकी में विभागीय टोली नेपाल आर्मी विजय भेल छे। 2 दिन भेल फाइनल खेल में टाई ब्रेकर में गंडकी के 3-0 के गोल अंतर से हरबैत आर्मी विजय भेल छे। टाई ब्रेकर में आर्मी के लेल सीता कुमारी चौधरी सरस्वती तामांग सीता माया बल गोल कने छल। ऐसा पहिने खेल के 9वें मिनट में नेपाल आर्मी के दिस सरस्वती तामांग 1 गोल कने छल। एकर 2 मिनट बाद गंडकी के दिस सबीना पुनः राणा 1 गोल कने छल। खेल 1-1 के बराबरी में पहुँचला बाद टाई ब्रेकर में समाप्त कल गया छल। तहिना महिला हॉकी में प्रदेश 1 के हरबैत
सुदूरपश्चिम कांस्य पदक जितने छे। भिन्सर भेल पहिल खेल में सुदूरपश्चिम 2-0 के गोल अंतर से प्रदेश एक के हरौने छे। सुदूरपश्चिम के लेल खेल के 10 मिनट में नीलम जोशी आ 26 मिनट में डम्बरा थापा गोल कयने छल। प्रतियोगिता में 7 टीम सहभागी भेल छल। विभागीय टोली एपीएफ के फूलमती राणा आ आर्मी के सोम बहादुर कुमार एथलेटिक्स 800 मीटर दौड़ में बुधिन स्वर्ण जीतने छे। पोखरा रंगशाला में बुधिन भेल दौड़ में महिला देश एपीएफ के फूलमती निर्धारित दूरी 2:27.36 सेकंड में पूरा करते स्वर्ण जीतलक। तहिना सोम बहादुर कुमार निर्धारित दूरी 1:54.08 सेकंड में पूरा करते स्वर्ण जीतल। आर्मी के सरस्वती भट्टराय 2:27.50 सेकंड में पूरा करते रजत आ आर्मी के रेखा लिंबू 2:30.48 सेकंड में पूरा करते कांस्य पदक जीतल। पुरुष दिस पुलिस के तेज बहादुर कार्की रजत आ आर्मी के सुनील सुनार कांस्य पदक जीतने छे। निर्धारित दूरी कार्की 1:55.21 सेकंड आ सुनार 1:55.52 सेकंड में पूरा कयने छल। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फिर से। जानकी मंदिर समीप रहल तेलहा पोखर सफा कर गेल युवा अभियान के धरपकड़। आचार संहिता उल्लंघन कयने उम्मीदवार के कार्रवाई करवाक निर्वाचन आयोग के तैयारी। 35 गोटे पर कार्रवाई होगा निश्चित। बझांग के मस्टा में जीप दुर्घटना 6 गोटे की मृत्यु। पिछला 24 घंटा में और 48 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि। गंडकी प्रदेश के सीधा सेट में पराजित करे एपीएफ राष्ट्रीय खेलकूद अंतर्गत पुरुष वॉलीबॉल के फाइनल में प्रवेश। अपन टेलीविजन देखते रहा। नमस्कार।